वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स, कुकिंग विद शकीला किचन में आप सबका वेलकम। आज की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त मैं लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मजे का आज हम बनाएंगे चना पुलाव। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे का बटन नजर आएगा उसको भी यहाँ से ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली है। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसमें डालेंगे दो मीडियम प्याज, प्याज मैंने डाल ली है। अब इसमें मैं डालूंगी दो बादियान के फूल, 8 से 10 लौंग और हाफ टेबल स्पून जीरा, ये मैं साथ ही डाल दूंगी। चलो मैं प्याजों को अच्छी तरह ब्राउन कर लूंगी। हो गया, अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। अब इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह मैं भून लूंगी। चलो लहसुन अदरक हमारा हो गया, अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी 2 टेबलस्पून। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चले अब इसमें ये मसाले जाएंगे, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सूरभ मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा। अब ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी मैं। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलो ये मैंने अच्छी तरह इसको 1 मिनट तक भून लिया। अब इसमें जाएंगे ये वाइट चने, ये मेरे पास 3 कप चने थे, उनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के तो फिर उसको मैंने नमक डाल के खाली बॉईल कर लिया। अब इनमें तकरीबन मैं 10 से 12 सब्ज मिर्चें डाल दूंगी। अब इनको मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भून लूंगी। चलो ये मुझे 3 मिनट हो गया, मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया। ये मेरे पास 2 कप चनों का पानी है, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। ये मेरे पास 2 कप मैंने पानी डाल लिया, ये मेरे पास और 2 कप पानी है, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। चावल मेरे पास जो है वो मेरे पास 4 कप है, तो ये पानी मैं इसमें 4 कप मैंने पहले डाल दिया, ये 1.5 कप और मैं डालूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे चावल मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखे हुए हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दूंगी, ये जूस डालने से आपके चावल टूटेंगे नहीं। अब इसके ऊपर ढक्कन देके बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। चलिए पानी में बॉयल आ गया, अब इसमें जो मेरे पास 4 कप चावल है ये मैं डाल दूंगी इसमें सारे। चलो अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर ढक्कन देके मीडियम आंच पे पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। चलो ये पानी हमारा खुश्क हो गया, अब इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, साथ ही ये टमाटर है मेरे पास स्लाइस में, ये भी डाल देंगे। अब इसकी आंच नीचे से बिल्कुल स्लो करके इसको 10 से 15 मिनट तक दम पे रखेंगे। चलो ये 10 मिनट हो गए, पुलाव हमारा तैयार है, तो मिक्स करेंगे। चलिए अब इसे मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। चलिए चना पुलाव हमारा तैयार है, ये बहुत ही मज़ेकार बहुत ही टेस्टी बना है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।